अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। लास्ट टाइम जैसा कि हम जानते हैं कि हमने सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर की डेरिवेशन तक पढ़ा था, और इसके बाद का जो पोर्शन है आज इंशाल्लाह हम वो कवर करेंगे इस क्लास में। दिस इज ऑन योर बुक पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पे हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल आज आ रहा है दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इनडायरेक्टली एक्चुअली एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की बात करता है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहां अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट इज हीट इंजन। हीट इंजन कोई भी ऐसी मशीन है, कोई ऐसा डिवाइस है जो सम काइंड ऑफ हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सॉरी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसा डिवाइस जो एक्चुअली हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क कह लें, दिस इज कॉल्ड हीट इंजन। अब हीट इंजन ने हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास पहले हीट तो होनी चाहिए ना। तो हीट होने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक हॉट बॉडी हो। डियर स्टूडेंट्स, से दिस इज अ हॉट बॉडी एट हाई टेम्परेचर T1। इसको हम सोर्स का नाम दे देते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हॉट बॉडी एक्चुअली सोर्स ऑफ हीट होती है। इसको T1 हम कह देते हैं इसके टेम्परेचर को, एंड दिस इज एक्चुअली हॉट बॉडी। एक हम यहां पे अब कोल्ड बॉडी बना लेते हैं, से देयर इज अ कोल्ड बॉडी जिसको हम सिंक कहते हैं। हमेशा हीट जाया होती है या फ्लो करती है टूवर्ड्स द बॉडी एट लो टेम्परेचर। सो लो टेम्परेचर की तरफ हीट जाया होती है। सिंक कहने के पीछे लॉजिक ये है, जैसे हम अपनी एवरीडे लाइफ में कहते हैं किसी बंदे को कोई नुकसान हो जाए पैसों का, तो हम कहते हैं जी उसका पैसा डूब गया, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी ने उसके पैसे को एक थैले में बंद किया है और दरिया में फेंक दिया है। मतलब है जाया होने के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा होता है। तो यहां भी हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो एनर्जी टेम्परेचर की तरफ जा रही होती है। सो लो टेम्परेचर हीट सिंक का काम करता है, हीट को ड्रॉ करता है अपनी तरफ, डैट्स वाई से सिंक भी कहते हैं। दिस इज एक्चुअली कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी जिसका टेम्परेचर T2 ले लेते हैं, विच इज लेस देन T1। अब यहां से सोर्स से एक हीट निकलेगी। ऑफ कोर्स सोर्स से जो हीट निकलेगी उसका नाम अगर हम रख दें Q1, एंड दिस Q1 हीट इज एक्चुअली कॉल्ड इनपुट हीट। और बीच में हम ये एक इंजन की शेप सी बना देते हैं। ये इंजन है जो इस हीट के एक पार्ट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी, और बाकी जो पार्ट बचेगा वो उसे रिजेक्ट कर देगा टू द LDR। इसे रिजेक्ट कर देगा टू द LDR। उस हीट का नाम Q2 रख देते हैं,
सो ये दुनिया के कोई भी हीट इंजन हो, चाहे वो स्टीम इंजन है, चाहे वो मोटरसाइकिल का इंजन है, चाहे वो जहाज का इंजन है, कोई भी इंजन है, किसी भी इंजन का बेसिक फिलॉसफी यही है कि उसके अंदर कोई हॉट बॉडी होगी और कोई कोल्ड बॉडी होगी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करेगी, और हीट फ्लो करवाने के लिए यहाँ जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस। दिस इज कॉल्ड वर्किंग सब्सटेंस विच टेक्स हीट फ्रॉम HTR एंड कन्वर्ट इट, अ पार्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इन टू मैकेनिकल वर्क बाय द इंजन एंड द रेस्ट इज रिजेक्टेड टू द सिंक थ्रू दैट वर्किंग सब्सटेंस। अब अगर जरा आप सोचिए कि एक मोटर बाइक के इंजन में, एक मोटर बाइक के इंजन में एक्चुअली HTR और LTR का मतलब क्या है। ये जो सोर्स है इसको हम एब्रीविएट करके HTR भी लिखते हैं, हाई टेम्परेचर रेजरवायर, और जो लो टेम्परेचर पे बॉडी होती है, कोल्ड बॉडी होती है जिसका टेम्परेचर लो होता है, इसे हम LTR कहते हैं, लो टेम्परेचर रेजरवायर। अब रेजरवायर किस चीज का नाम है जी? रेजरवायर ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें से हीट आप चाहे निकाल लो या जिसमें हीट चाहे आप ऐड कर दो, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसी चीज को हम रेजरवायर कहते हैं जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आइए मोटर बाइक में देखते हैं ये रेजरवायर कहाँ होगी। अब मोटर बाइक का जो इंजन होगा, कंबस्शन चैम्बर जो होगा इंजन का, कंबस्शन चैम्बर, इस कंबस्शन चैम्बर में कॉन्टिन्यूसली पेट्रोल जा रहा होगा और फ्यूल बर्न होगा, हो रहा होगा कॉन्टिन्यूसली। फ्यूल के बर्न होने से कॉन्टिन्यूली वहां पे एक हीट पैदा हो रही है और उसका टेम्परेचर बहुत हाई कर देती है। और ऐसा नहीं है कि फ्यूल सिर्फ 10 सेकेंड के लिए गया है, उसके बाद फ्यूल जाना बंद हो गया। फ्यूल मुसलसल जल रहा है, मुसलसल हीट पैदा हो रही है। इसलिए जो इसका कंबस्शन चैम्बर होगा मोटर बाइक का, ये अपना एक कांस्टेंट हाई टेम्परेचर मेंटेन करेगा, कांस्टेंट हाई टेम्परेचर ये मेंटेन करेगा। इसलिए कंबस्शन चैम्बर को कहेंगे हम HTR या सोर्स या हाई टेम्परेचर रेजरवायर। फिर मोटर बाइक का इंजन एक्चुअली कूल किसकी मदद से हो रहा है? एयर से। तो बाहर की जो एयर है ये एज अ कोल्ड रेजरवायर काम कर रही है, ये भी अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है, कांस्टेंट एट लो। हमारी मोटरसाइकिल चलाने से एयर का टेम्परेचर तो नहीं ना चेंज हो जाता। तो एयर एक सोर्स है, हीट ये जितनी मर्जी ले भी सकती है, जितनी मर्जी इसमें से आप निकाल भी लें, ओवरऑल एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये भी रेजरवायर का काम करती है। सो कंबस्शन चैम्बर यहाँ पे हो गया हॉट रेजरवायर, कंबस्शन चैम्बर यहाँ पे हो गया हॉट रेजरवायर, और एयर यहाँ पे हो गई कोल्ड रेजरवायर। ये तो बात हुई डियर स्टूडेंट्स इंजन से रिलेटेड। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की रिलेटिंग टू द हीट इंजन। एक्चुअली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि हम कोई ऐसा इंजन डिजाइन नहीं कर सकते जिसमें सिर्फ एक रेजरवायर हमारे पास हो।
दो रेजरवायर्स डिफरेंट टेम्परेचर पे होना जरूरी है. सपोज ये HTR है, हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर T1 पे. कोई आप ऐसा प्रोसेस डिजाइन करें, ऐसा इंजन बनाएं कि ये जितनी हीट HTR से इनपुट के तौर पे ले, सारी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे. फर्स्ट लॉ कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है. अब जो चीज पॉसिबल नहीं होती उसके इर्द गिर्द इस तरह का एक क्रॉस साइन आ जाता है जी, दिस इज नॉट पॉसिबल. यानी जैसे हमारे पास समुंदर है, समुंदर के पास बहुत ज्यादा हीट मौजूद है, लेकिन खाली समुंदर की इतनी ज्यादा हीट को इस्तेमाल करके हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक के हमारे पास समुंदर जितना एक और रेजरवायर मौजूद ना हो जो रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे हो. यानी जब तक टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑफ कोर्स हीट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी. यानी अगर आप सूरज के अंदर जाके, अब आप वहां मैकेनिकल इंजीनियर बन के वहां इंजन बनाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर जाके कुछ नहीं हो पाएगा भाईजान, क्योंकि आप उसके पास तो बहुत ज्यादा हीट है, लेकिन आपके पास कोई और चीज मौजूद नहीं होगी सूरज के अंदर जिसका टेम्परेचर सूरज से कम हो. लिहाजा आपके लिए वहां हीट जीरो ही होगी, आपका टेम्परेचर भी उस टाइम उतना ही होगा जितना सूरज का टेम्परेचर है. यानी जब एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे होगी, एक बॉडी लो टेम्परेचर पे होगी, तो तब हीट फ्लो करेगी और उसका एक पार्ट सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा. सारी हीट कभी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती. एक्चुअली ये इनडायरेक्टली हमें एफिशिएंसी के बारे में बता रहा है. यानी ये जो Q1 है एक्चुअली ये इनपुट है, और वर्क जो हमें मिल रहा है डैट इज आउटपुट. और किसी भी मशीन की एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. तो यहां अगर मैं आउटपुट को W ले लूं और इनपुट को Q1 ले लूं और ये दोनों बराबर अगर कर दूं, तो ये एफिशिएंसी 1 या 100% आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. इसका मतलब जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये इनडायरेक्टली हमें ये भी कह रहा है कि नो इंजन कैन बी डिजाइंड विद 100% एफिशिएंसी. आगे चल के हम कॉर्नर्ड इंजन पढ़ेंगे, हालांकि हम उसे आइडियल इंजन लेते हैं, लेकिन एफिशिएंसी 100% उसकी भी नहीं होती. उसकी भी एफिशिएंसी हाईएस्ट होगी, लेकिन 100% तो पॉसिबल नहीं है. इसका ये एक मैथमेटिकल वजह भी आएगी आगे चल के, हम जब फॉर्मूला एफिशिएंसी का बनाएंगे वहां पे कुछ हमें समझ आएगी. सो लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट इसकी क्या बनी, स्टेटमेंट लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अच्छा, इसमें जो हमने अभी स्टेटमेंट की है, इसको हमने इस कॉन्टेक्स्ट में किया कि कोई हीट सारी की सारी मैकेनिकल वर्क में नहीं कन्वर्ट की जा सकती. अब इसका रिवर्स सोचो जरा, व्हाट इज आपकी बुक में जो केल्विन स्टेटमेंट लिखी हुई है वो उसका रिवर्स लिखी हुई है. यू नो दैट रिवर्स ऑफ हीट इंजन इज एक्चुअली रेफ्रिजरेटर. क्योंकि हीट इंजन में हाई टेम्परेचर से हीट निकल के लो टेम्परेचर की तरफ ऑटोमेटिकली जाती है और इसका एक पार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है. लेकिन रेफ्रिजरेटर में हम LTR, यानी जो रेफ्रिजरेटर का इंटीरियर होता है वो LTR होता है, और बाहर वो गर्मी होती है, रेफ्रिजरेटर जहां पड़ी होती है, बाहर की एनवायरनमेंट LTR होती है हाई टेम्परेचर पे.
यानी रेफ्रिजरेटर एक्चुअली लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट करता है हीट को। लेकिन इसके लिए काम हमें करना पड़ता है, वर्क हैज टू बी डन। इसीलिए तो रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर लगा होता है जो काम कर रहा होता है, और एज ए रिजल्ट रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर LTR से हीट को निकाल के हाई टेम्परेचर में फेंकने के काबिल बन रहा होता है। तो अब जरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को रेफ्रिजरेटर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। हीट इंजन में तो हमने कहा सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो इसका रिवर्स क्या होगा? सारा वर्क हीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और आप अगर ये कह लो कि कोई ऐसा आप प्रोसेस डिजाइन नहीं कर सकते जिसके ऊपर आप अपना सारा काम करके, एक कॉन्टिन्यूस काम करके इतना कूलिंग कॉज कर दो कि जो आपकी जो सराउंडिंग का कोल्डेस्ट ऑब्जेक्ट है उससे भी कूल हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। यानी एक्चुअली जब हीट इंजन में हीट आती है और वर्क में कन्वर्ट होती है तो इसमें हीटिंग हो रही है, लेकिन रेफ्रिजरेटर इसका रिवर्स है, इसमें कूलिंग होती है। तो जिस तरह हीट इंजन 100% एफिशिएंसी नहीं रख सकता, रेफ्रिजरेटर भी 100% एफिशिएंसी नहीं रखेगा। इसलिए आप कॉन्टिन्यूसली वर्क करके इतना लो टेम्परेचर नहीं कॉज कर सकते जितना सराउंडिंग का लोएस्ट टेम्परेचर होगा। मतलब सराउंडिंग का इस टाइम टेम्परेचर है सपोज 30 डिग्री सेल्सियस। सो आप कॉन्टिन्यूस सप्लाई करके इस सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू डराइव अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी। यानी हम बॉडी को कूल कर रहे हो और हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क देना भी पड़ रहा हो साथ में टू अ टेम्परेचर लोअर देन दैट द कोल्डेस्ट ऑफ इज सराउंडिंग्स। यानी अगर आपको कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए तो आपके पास एक टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद होना चाहिए, एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी। देन हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करेगी और उसका कुछ वर्क कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन रेफ्रिजरेटर इसका रिवर्स करता है, और इसका रिवर्स भी 100% पॉसिबल नहीं है विद एफिशिएंसी। सो लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट को दो तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस इन विच ऑल द हीट टेकन फ्रॉम HTR और हॉट रेजरवायर इज एंटायरली कन्वर्टेड इनटू वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग्स। और दूसरी स्टेटमेंट आपके पास बनी, इट इज इम्पॉसिबल टू डराइव अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी टू अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाँ, लेकिन अगर एक और बात यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, अगर हम वर्क करते जाएं जैसे रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में हमारी बिजली यूज होती है, वर्क हम कर रहे होते हैं, तो तब वो कूलिंग का प्रोसेस करती है। कूलिंग का प्रोसेस खुद ब खुद नहीं होता, लेकिन हीट इंजन का प्रोसेस ही ऑटोमेटिक है। और इस चीज को भी हम अनदर स्टेटमेंट कहते हैं, क्लॉशियस स्टेटमेंट। अनदर स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ इज क्लॉशियस स्टेटमेंट। और इसमें हम ये कहते हैं कि हम हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते अनलेस वी हैव टू डू एक्सटर्नल वर्क। यानी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हम हीट को लो से हाई की तरफ फ्लो नहीं करवा सकते। ये जनरल प्रिंसिपल है।
आप जानते हो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में हर बॉडी हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ खुद ही गिरती है, लेकिन लो पोटेंशियल एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी तक जाने के लिए यू हैव टू डू वर्क। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जी। नेक्स्ट अब मूव करते हैं जी हम कॉर्नेट इंजन की तरफ। कॉर्नेट इंजन एक्चुअली एक आइडियल इंजन है जो कि एक फ्रेंच इंजीनियर था सादी कॉर्नेट, इन 1940 अबाउट इसने एक इंजन डिजाइन किया जो कि एक आइडियल इंजन माना जाता है। कॉर्नेट इंजन, अच्छा याद रहे कोई भी इंजन किसी ना किसी साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है। ऑफ कोर्स हम ऐसा इंजन नहीं चाहते जो हमें 2 मिनट एनर्जी दे और 2 मिनट रुक जाए, हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ मैकेनिकल एनर्जी चाहिए जिससे हम अपनी व्हीकल या कार मोटरसाइकिल चला सकते हैं। सो जिस तरह हर इंजन का साइकिल होता है, कॉर्नेट इंजन का भी साइकिल होता है जिसे हम कॉर्नेट साइकिल कहते हैं। अब कॉर्नर साइकिल के एक्चुअली 4 स्टेप्स होते हैं जी। पहला स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी पहले स्टेप में हम गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड करेंगे। सेकंड स्टेप में हम आइसोथर्मली सॉरी सेकंड स्टेप में हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दो दफा गैस को एक्सपेंड करवा लिया, अब इसी ऑर्डर में दो दफा गैस को कंप्रेस करेंगे। तो नंबर 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड नंबर 4 जो सेकेंड स्टेप है उसका रिवर्स होगा, दैट इज एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जितने फॉरवर्ड स्टेप्स होते हैं उतने रिवर्स स्टेप्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने ब्लैक कलर से लिखे हैं ये दोनों फॉरवर्ड स्टेप्स हैं। ये गैस को एक्सपेंड कराएंगे, इसकी स्टेट चेंज करेंगे और अगले 2 स्टेप्स उसको वापस लेकर आएंगे। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक गैस डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए एक अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस आ जाए, ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। सो कॉर्नेट साइकिल यहाँ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है। आइए अब इसको पीवी डायग्राम पे हम जरा शो कर लेते हैं। से दिस इज पीवी डायग्राम। अब सपोज कर लेते हैं ये हमारी गैस की इनिशियल स्टेट है ए, ए इज द इनिशियल स्टेट एंड से दिस इज पॉइंट इज बी, बी इज द फाइनल स्टेट और हम आइसोथर्मल एक्सपेंड करवा रहे हैं। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपको पता है ऐसा कर्व आता है लाइक दिस। सो ये ए से बी गैस एक्सपेंड हो गई। ए पे अगर इसका टेम्परेचर T1 है तो बी पे भी टेम्परेचर T2 होगा, यानी इस टाइम गैस जिस सिलेंडर के अंदर होगी इस प्रोसेस के दौरान उस सिलेंडर को टोटली इंसुलेटेड रखा जाएगा, टोटली इंसुलेटेड। सॉरी वो एडियाबेटिक में करते हैं, गलती हो गई यहां पे। टोटली इंसुलेटेड नहीं करना यहाँ पे, जरा सोचिए अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन याद करें और उसमें हमने बात की थी आइसोथर्मल प्रोसेस में
आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो एज अ रिजल्ट इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, और फर्स्ट लॉ के मुताबिक, फर्स्ट लॉ फ्लोट जिसे कल लिखा था, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ डेल्टा यू जीरो होने की वजह से डेल्टा क्यू डब्ल्यू के बराबर है। इट मीन आइसोथर्मल प्रोसेस में आप हीट दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, लेकिन जितनी देंगे गैस को उतना ही काम करना है, या गैस पर आपने काम किया है तो उतनी हीट उससे वापस भी लेनी पड़ेगी, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब खुद सोचें, जब गैस एक्सपैंड हो रही हो तो उसका टेम्परेचर तो कम हो रहा होता है, यहाँ बी पॉइंट पे टेम्परेचर T1 ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये भी मैंने गलती से यहाँ T2 कर दी है, एक्चुअली आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ बी पॉइंट पे भी टेम्परेचर वही होगा T1। जब एक्सपेंशन हो रही है और टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो उस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए बाहर से हीट आती है इधर, एंड दैट हीट कम्स फ्रॉम इनपुट सोर्स जिसको Q1 कहते हैं, फ्रॉम HTR। सो इन द फर्स्ट स्टेप अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली एब्जॉर्बिंग हीट Q1, इनपुट हीट Q1 फ्रॉम द HTR एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर एट T1। फिर अब हमने करनी है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन को हम रेड से शो कर देते हैं। आपको लास्ट टाइम भी यहां बताया था कि अगर ये आइसोथर्म होता है तो एडियाबैट ज्यादा स्टीपर होता है, ये ऊपर वाला, अगर ये फर्स्ट वाला ग्राफ अगर आइसोथर्म है तो सेकेंड वाला एडियाबैट है, तो जो आपने अभी ये ब्लैक ग्राफ बनाया था इसको जरा ज्यादा स्टीपर कर दें, लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड एडियाबैट और एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एंड दैट वॉज आइसोथर्म। अब दो दफा हमने कर लिया एक्सपेंशन, अब इस दो दफा करेंगे कंप्रेशन, लेकिन याद रहे एडियाबैटिक प्रोसेस जब आप कर रहे होंगे, यानी बी से सी आ रहे होंगे, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग इफेक्ट होता है, गैस ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और इस दौरान आप ना हीट दे सकते हैं ना ले सकते हैं, यानी आपका सिलेंडर परफेक्टली इंसुलेटेड होगा इस टाइम। ओके, ये दो स्टेप हमारे पास हो गए, फर्स्ट स्टेप इज डन, सेकेंड डन। अब तीसरे स्टेप की तरफ हम आएंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन। जिस तरह अगर मैं किसी ग्राफ के ऊपर, ये पीवी ग्राफ है, इस पे अगर मैं ये आइसोथर्म कह रहा हूं, अगर ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो एरो वॉल्यूम की तरफ होगा, और इसी पे अगर आप एरो बैकवर्ड लगा दो तो वही आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कंप्रेशन एंड दिस इज एक्सपेंशन। इट मीन्स ये ऊपर वाला जो ब्लैक ग्राफ है, इसी की एग्जैक्ट कॉपी आएगी नीचे, लेकिन एरो बैकवर्ड होगा, और इस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हुई है। और टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रह सकता है अगर कंप्रेस किया हो गैस को, क्योंकि गैस को अगर आपने कंप्रेस किया, आपने गैस पे काम किया, तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़नी चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए यहां से कुछ हीट आउट होगी, वो हीट होगी Q2 रिजेक्टेड टू LTR। फिर लास्ट स्टेप जो चौथा स्टेप है, इसमें अब गैस एडियाबेटिकली कंप्रेस होगी, तो जो आपने ये रेड पहले बनाया था एडियाबेटिक एक्सपेंशन, बिल्कुल इसी की कॉपी आप दोबारा बनाएंगे, बस एरो बैकवर्ड कर देंगे, एग्जैक्ट उसी की कॉपी होगी।
दिस इज अगेन एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो ये चार स्टेप्स करने के बाद जो चौथा स्टेप है, इसमें चूंकि आपने कंप्रेस की है तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कम हुआ था, एडियाबैटिक कंप्रेशन में दोबारा बढ़ के उतना ही हो जाएगा और गैस अपनी इनिशियल स्टेट रीस्टोर कर लेगी। अच्छा, यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेस में ना हीट दी जाती है ना ली जाती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आप हीट देते हो जब गैस कंप्रेस हो रही हो, सॉरी एक्सपैंड हो रही हो, क्योंकि एक्सपेंशन में उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए तो बैलेंस करने के लिए हम हीट देंगे। और जब कंप्रेशन हो रही होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए तो उसको बैलेंस करने के लिए हीट निकालनी होगी। सो कॉर्नर, सादी कॉर्नर ने ये जो साइकिल डिजाइन किया, ये इसमें कोई हमने एनर्जी लॉसेस को काउंट नहीं किया, इसलिए हम इसको एक आइडियल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसी की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की तरफ मूव करेंगे। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को कुछ किताबों में ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सिंध की बुक में ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, या सम टाइम पंजाब की किताब में हम ईटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबॉलिकली सम टाइम्स हम वेरी करती हैं चीजें, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होता है। एफिशिएंसी इज एक्चुअली डिफाइंड एज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। किसी भी मशीन की एफिशिएंसी निकालनी है, उसका फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। अब आउटपुट जो हमें मिल रही है वो वर्क की सूरत में मिल रही है, और जो इनपुट हम दे रहे हैं वो हीट क्यू वन होती है। और अगर आप फर्स्ट लॉ वाली बात याद करें, ये जो अभी हमने ऊपर इंजन बनाया था, ये देखिए, इस इंजन में क्यू वन हीट आ रही थी इनपुट, और वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही थी। उसका एक हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो रहा था, दूसरा हिस्सा जाया हो रहा था क्यू टू। तो मैं कह सकता हूं क्यू वन इज द सम ऑफ क्यू टू एंड डब्ल्यू। सिंपल हीट बैलेंस है। सो मैं कह सकता हूं जो हमारी इनपुट हीट थी क्यू वन, ये कन्वर्ट हुई क्यू टू में एंड डब्ल्यू में। अब यहां से हम डब्ल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इट वुड बी क्यू वन माइनस क्यू टू। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वर्क डन डब्ल्यू विच इज क्यू वन माइनस क्यू टू ओवर क्यू वन, इसको लेदर लेदर डिवाइड कर दीजिए, वन माइनस क्यू टू ओवर क्यू वन आ जाएगा। सो एक फॉर्मूला एफिशिएंसी का ये होता है आपके पास, और इसी फॉर्मूला को अगर आप एफिशिएंसी को परसेंटेज में लिखना चाहते हो, परसेंटेज एफिशिएंसी, तो इसी फॉर्मूला को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली बात हम जानते हैं, कि जो हीट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। जितना ज्यादा किसी बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा या जितना किसी बॉडी का टेम्परेचर लो होगा, यानी टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट की मिकदार होगी।
सो हीट टेम्परेचर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ जो हीट्स की रेशो होती है वो ही टेम्परेचर्स की रेशो होती है, बट टेम्परेचर्स मस्ट बी इन केल्विन स्केल। ये याद रखिएगा, थर्मोडायनामिक्स में कभी भी टेम्परेचर को रिलेट करते हुए प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चंस कभी कर रहे हैं तो टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन स्केल, नॉट इन सेल्सियस और फॉरनहाइट स्केल। मैयर हम किसी भी स्केल में कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करते हुए, रेशो वाले क्वेश्चंस बनाते हुए, हमेशा टेम्परेचर केल्विन स्केल में होना चाहिए। अब इसी बेस पर मैं ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस Q2 ओवर Q1 तो था ही, लेकिन इसी को 1 माइनस T2 ओवर T1 भी लिख सकते हैं, बिकॉज द रेशियो ऑफ हीट्स Q2 एंड Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो T2 ओवर T1, बोथ हैव सेम रेशियो बिकॉज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा जी, ये था सारा डिस्कशन अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, साथ हीट इंजन के इन रिलेशन में, साथ ये हमने रेफ्रिजरेटर की बात की, देन कॉर्नर साइकिल और कॉर्नर इंजन की बात की। अब इस फॉर्मूला से एक रिजल्ट निकल रहा है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एफिशिएंसी को यहाँ 100% कर दूं, यानी इफ ई इज 1 और 100%, तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा। आपने ई की जगह 1 पुट किया, नाउ 1 माइनस T2 ओवर T1, ये टर्म इस तरफ ले आइए और ये 1 इधर चला गया, ये आ जाएगा T2 ओवर T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। टी वन उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से T2 की वैल्यू आ गई 0 केल्विन। डियर स्टूडेंट, क्या 0 केल्विन पॉसिबल होता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी अगर आप 100% एफिशिएंसी चाहते हो तो आपको कोई ऐसी एलटीआर डिजाइन करनी है, ऐसी कोल्ड रेजर्वायर डिजाइन करनी है जो 0 केल्विन पर हो, और 0 केल्विन लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, जिसको केल्विन में हम 0 केल्विन लेते हैं, सेल्सियस में ये -273.16 केल्विन होता है, या अप्रोक्सीमेटली -273 केल्विन भी कह सकते हैं। सो यहां से हमने एक फॉर्मूला बनाकर भी ये साबित कर दिया, जो कि हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इनडायरेक्टली कह रहा था। ऊपर हमने ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करते हुए भी एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं है इसी के बारे में बात हो रही थी, और इसी के बारे में जब हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनाया वो मैथमेटिकली साबित भी हो गया। सो मैं ये कह सकता हूं कि जो कॉर्नर्ड इंजन होगा, कॉर्नर्ड इंजन इसकी एफिशिएंसी बेस्ट होगी और हाईएस्ट होगी। 100% एफिशिएंसी इसकी भी नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप कॉर्नर्ड इंजन को कंपेयर करो किसी प्रैक्टिकल इंजन के साथ, तो ऑफ कोर्स कॉर्नर्ड इंजन की एफिशिएंसी, कॉर्नर्ड इंजन की एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होगी किसी भी प्रैक्टिकल इंजन से। यानी कोई इंजीनियर अगर दावा करता है जी मैंने इंजन बनाया और उसकी एफिशिएंसी 70% है, तो आप सिंपल ये 1 माइनस T2 ओवर T1 वाला फॉर्मूला लगा के चेक कर लो, अगर तो जवाब 70% से नीचे आ रहा है तो वो कभी 70% नहीं ले सकता, क्योंकि कॉर्नर इंजन के फॉर्मूला से जो एफिशिएंसी आएगी वो हाईएस्ट आएगी, प्रैक्टिकली उससे हमेशा कम होगी। सो प्रैक्टिकल इंजन की एफिशिएंसी हमेशा कॉर्नर इंजन से कम होती है, या कॉर्नर इंजन हमेशा ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू एनी प्रैक्टिकल इंजन। उसकी वजह सिंपल है कि प्रैक्टिकल इंजन में बहुत सारे हीट लॉसेस होते हैं जो कॉर्नर्ड इंजन में हमने कंसिडर बिल्कुल नहीं किए।
अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, दैट इज एंट्रोपी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ एंट्रोपी। एंट्रोपी एक बड़ा जनरल सा कॉन्सेप्ट है जी। एंट्रोपी इज एक्चुअली मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। इसको जनरली कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं जी, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक बॉक्स है, यू हैव अ बॉक्स। इस बॉक्स में आपने सपोज कीजिए ये फोर रेड बॉल्स अरेंज करके रखे हैं और साथ ही फोर ब्लैक बॉल्स हैं, ये तरतीब में पड़े हुए हैं। अगर आप इसे डिस्टर्ब किए बगैर खोलेंगे तो आपको ये तरतीब में ही मिलेंगे, यानी इस टाइम डिसऑर्डर लीस्ट है इनका, यानी एंट्रोपी मिनिमम है। लेकिन अगर आप इस डब्बे को बंद करके बाहर से बहुत ज्यादा शेक करें, आफ्टर शेकिंग इनकी पोजीशन कुछ रैंडम टाइप इस तरह हो जाएगी, लाइक दिस। या इनमें से कोई भी हो सकती है। सो इसको आप जितनी बार शफल करोगे, इसे शेक करोगे, उतनी बार रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस कभी कम नहीं होगी। और यही आपकी किताब में फर्स्ट पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है कि डिसऑर्डर हमेशा बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है, कम नहीं हो सकता कभी। यानी डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग बात की जाए, यानी एज अ होल डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम या बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है, कभी कम नहीं होता। इन द सेम वे एक और एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। सपोज कीजिए ये आपके पास एक कंटेनर था जिसमें आपने एक पार्टीशन लगाई हुई है, दिस इज द पार्टीशन, और आप समझ लें कि इस बॉक्स के आधे हिस्से का जो वॉल्यूम है, इस हिस्से का वॉल्यूम V है, और आपने इसमें गैस मॉलिक्यूल्स एनक्लोज किए हुए हैं, यानी गैस मॉलिक्यूल्स का जो इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज वी। तो इस टाइम मॉलिक्यूल ज्यादा लोकलाइज होंगे, पास पास होंगे, ऑर्डर में होंगे, डिसऑर्डर कम होगा, यानी इस टाइम डिसऑर्डर कम है, मतलब एंट्रोपी कम है। और ये जो बीच में पार्टीशन लगाई हुई है हमने, अगर इस पार्टीशन को रिमूव किया जाए, दिस इज एक्चुअली पार्टीशन जो सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स को दूसरे सेक्शन में जाने से रोक रही थी, जब पार्टीशन को रिमूव किया जाए, आफ्टर रिमूविंग पार्टीशन मैं ये कह सकता हूं कि अब वो गैस सारे वॉल्यूम में फैल जाएगी, जितना भी उसका वॉल्यूम है सारे वॉल्यूम में फैल जाएगी। लेकिन अब गैस मॉलिक्यूल जरा दूर दूर होंगे,
दूर दूर होने का मतलब है डीलोकलाइज हो गए हैं, मतलब रैंडमनेस बढ़ गई है, डिसऑर्डर बढ़ गया है, एंट्रोपी बढ़ गई है। खुद सोचिए, क्या अब ये गैस खुद वापस ऑर्डर वाली स्टेट में कभी आ सकती है? हाँ आ सकती है, अगर वापस उसे कंप्रेस किया जाए, यानी बाहर से कोई एनर्जी दी जाए, बाहर से कोई काम किया जाए, तो तब एक सिस्टम और सराउंडिंग की मिलाकर एंट्रोपी को आप कम कर सकते हो। वरना किसी भी प्रोसेस में, जो नेचुरल प्रोसेस है, हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है या कांस्टेंट रहती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को हम मैथमेटिकली भी साबित कर सकते हैं। उसके लिए अब हमें एक मैथमेटिकल डेफिनेशन देनी है एंट्रोपी को। एक्चुअली एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय एस लेटर, एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय लेटर एस। वी कैन नॉट फाइंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर का या डिसऑर्डर का कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है। वी कैन नॉट फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। हाउएवर, चेंज इन एंट्रोपी कैन बी मेजर्ड। एंड दिस चेंज इन एंट्रोपी इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। जरा सोचिए, किसी भी बॉडी को हीट दी जाए, अगर एक सिंगल बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, एक सिंगल बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है, अगर आप इसको हीट देते हो, आप इसे हीट क्यों दे रहे हो? हीट जो दी जाती है उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो बॉडी है, इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एनर्जी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, हीट करने पे ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर अल्टीमेटली ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर स्टेट में या गैशियस स्टेट में जाके रैंडमनेस और मजीद बढ़ेगी। तो समझ आ रही है, हीट सप्लाई करने पर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है, यानी चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर मैं इसी बॉडी में से हीट निकाल लूं, इफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, जैसे किसी चीज को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख लें तो उसमें से वो हीट निकाल के उसे ठंडा कर देती है, तो जो हीट बाहर आती है किसी सिस्टम से, टेकन आउट, उसे हम नेगेटिव लेते हैं। तो इस टाइम मैं कहूंगा कि जो एंट्रोपी है वो कम हो गई है। जैसे पानी को कूल करें तो बर्फ बन जाती है, बर्फ के मॉलिक्यूल ज्यादा ऑर्डर में होते हैं, सो इस केस में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आएगा। सो किसी एक बॉडी की एंट्रोपी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन जब भी हीट फ्लो का कोई प्रोसेस लिया जाएगा जिसमें हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मूव कर रही होगी, उस दौरान अगर आप नेट चेंज इन एंट्रोपी निकालोगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो आइए अब हम एंट्रोपी चेंज को डिफाइन कर लेते हैं मैथमेटिकली। एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज गिवन बाय द हीट सप्लाइड पर यूनिट केल्विन टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी।
और इसमें क्यू का साइन प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था हीट अगर आप दे रहे हैं तो पॉजिटिव, ले रहे हैं उसमें से निकाल रहे हैं हीट सिस्टम में से नेगेटिव। अब यहां हम एक सपोज कीजिए, एक प्रोसेस डिजाइन करते हैं समझाने के लिए कि जब भी हीट फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ तो हमेशा नेट चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव ही होता है, यानी मैथमेटिकल थोड़ा इसको देखते हैं। सपोज कीजिए हमने एक हॉट बॉडी कंसिडर कर ली, एक कोल्ड बॉडी आ गई और इन दोनों बॉडीज को हमने एक रॉड के साथ कनेक्ट कर दी है और इस रॉड की अच्छी तरह से इंसुलेशन कर दी है, थर्मल इंसुलेशन, ताकि हीट बाहर जाया ना हो सके। तकरीबन आइडियल प्रोसेस ले लेते हैं यहाँ पे। अब सपोज कीजिए अब सपोज कीजिए टी वन बॉडी से जो हीट निकल रही है वो क्यू है और रास्ते में कोई जाया नहीं हो रही और वही हीट मिल रही है टी टू को। अब हॉट बॉडी से चूंकि हीट निकल रही है तो इसका एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आएगा क्योंकि हीट निकल रही है, माइनस क्यू ओवर टी वन और उसका टेम्परेचर टी वन है। और जो कोल्ड बॉडी है उसको हीट मिल रही है, हीट गिवन टू डैड बॉडी हो रही है, हीट गिवन किसी को मिल रही हो तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी दूसरी बॉडी का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ रहा है। अब हमने देखना है कि नेट चेंज क्या है सिस्टम प्लस सराउंडिंग का, तो नेट चेंज निकालने के लिए नेट चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग दिस हीट फ्लो वुड बी द सम ऑफ दीज टू एंट्रोपी चेंजेस, डेल्टा एस वन इज माइनस क्यू ओवर टी वन एंड डेल्टा एस टू इज प्लस क्यू ओवर टी टू। आप पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिख लीजिए, नेगेटिव वाले को बाद में कर लीजिए, क्यू ओवर टी टू माइनस क्यू ओवर टी वन। अब आप देखिए हमें पता है टी टू इज स्मॉलर देन टी वन, तो ऑफकोर्स जिस रेशो का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो रेशो बड़ी होती है, यानी Q ओवर T2 बड़ा है Q ओवर T1 से। तो जब बड़ी क्वांटिटी में से स्मॉल क्वांटिटी माइनस होगी तो ऑफ कोर्स जवाब पॉजिटिव आएगा, यानी नेट एंट्रोपी चेंज सिस्टम प्लस सराउंडिंग का पॉजिटिव होता है जनाब। और पॉजिटिव होने का मतलब है कि नेट एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है जब भी हीट फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। यहां तक हम इंशाल्लाह जी आज हमने खत्म कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। माशाल्लाह आज ये फिनिश हो गया है तकरीबन सारा चैप्टर, जिसमें आज हमने ओवरऑल सेकेंड लॉ को डिस्कस किया है जिसको रिलेट किया हीट इंजन के साथ, रेफ्रिजरेटर के साथ, और फिर हम आगे कॉर्नर साइकिल और कॉर्नर इंजन पे, कॉर्नर इंजन में एफिशिएंसी का एक फार्मूला बनाया और प्रूव किया कि कोई इंजन प्रैक्टिकली 100% नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली हाईएस्ट एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर इंजन की होती है। फिर आगे हम एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट पे, एंट्रोपी को अंडरस्टैंड किया, एंट्रोपी का फॉर्मूला बनाया और एंट्रोपी का यूनिट ऑफ कोर्स डियर स्टूडेंट्स जाउल पर केल्विन होगा, क्यू ओवर टी, क्यू इज जाउल एंड टी इज केल्विन।
बेटे वो टी सी ओवर टी एच लिख लें या क्यू सी ओवर क्यू एच लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था सिंबॉलिकली बाज़ औक़ात कुछ फर्क आ जाता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।